नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। पोर्टल बंद होने के बाद टोकन की आस में रात भर मंडी में डटे रहे किसान। टोकन नहीं मिलने पर रात को किसानों का हंगामा। मार्केट कमेटी सचिव पर लगाया रिश्वत लेकर टोकन देने का आरोप। सचिव बिना जवाब दिए निकले, लोगों ने किया पीछा। नमस्कार, रमन सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट। सरकार द्वारा दोबारा से सरसों की खरीद का पोर्टल बंद हो चुका है, लेकिन कन्या मंडी में मार्केट कमेटी द्वारा किसानों को 12 मई को 685 किसानों को गेट पास एंट्री देकर मंडी में टोकन के लिए अगले दिन का नाम दिया गया था। सरकार द्वारा केवल 2 दिन का समय निर्धारित किया गया था, इसलिए 12 मई रात को पोर्टल बंद हो गया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन की रिक्वेस्ट पर 13 मई को 2 घंटे के लिए पोर्टल खोला गया, जिसमें बचे हुए किसानों को टोकन बांटने का कार्य किया गया, लेकिन इस दौरान काफ़ी संख्या में किसान टोकन से वंचित रहे। किसानों का कहना है कि उनकी सरसों के टोकन देने का कार्य कर रहा था। किसानों का आरोप है कि मंडी में 4 दिन से मौजूद हैं, लेकिन उनकी फसल नहीं बिकी है। किसानों का आरोप है कि हैफेड और मार्केट कमेटी द्वारा झूठे आश्वासन देकर मंडी में रोके रखा गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें अभी भी कोई अधिकारी या कर्मचारी यह बताने को तैयार नहीं है कि उनकी सरसों खरीदी जाएगी या नहीं। उन्होंने कहा, यदि सरसों नहीं खरीदी जाती है तो उन्हें बताया जाए ताकि वे अपने घर जा सके। वहीं अधिक जानकारी के लिए बता दें कि किसानों द्वारा मार्केट कमेटी सचिव पर रिश्वत के आरोप लगाने पर जब उन्होंने उनका पक्ष जानना चाहा तो बगैर कुछ बोले ही मंडी से भागते हुए दिखाई दिए। किसान उनके पीछे पीछे लगातार उन पर पैसे लेकर बड़े व्यापारियों की सरसों के टोकन जारी करने के आरोप लगा रहे थे, लेकिन मार्केट कमेटी सचिव ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। मंडी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त नायब तहसीलदार भी मंडी में मौजूद थे। किसान उनके सामने ही मार्केट कमेटी सचिव पर पैसे लेकर टोकन बांटने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। जब हमने उनसे इस विषय में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में प्रशासन की देखरेख का कार्य करना है, मैं मेरा कार्य सही ढंग से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं इसके विषय में, उनके बारे में वे कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी है वो मैं कर रहा हूँ। बहरहाल, जो सरकार द्वारा किसानों के लिए 2 दिन के लिए खरीद का शेड्यूल का जंजाल बना हुआ है, वहीं किसान लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए ये पूरा मामला। डीसी मैडम का नंबर दो। डीसी मैडम का नंबर दो, बात करता हूँ डीसी मैडम। ये जी क्या रिक्वेस्ट आई इनकी? ठीक है, थोड़ा पिंच पिंच कोई बात नहीं, नंबर दे, बात करो। नंबर मेरे पास नहीं है मैडम। आपने रिक्वेस्ट भेजी थी तो आपने भेजी नहीं है तो मेरे बात बनाने के आपके पास अधिकारियों का नंबर नहीं है? मेल की जाती है सर, मैं ये करूँ अधिकारियों का नंबर नहीं, फिर किस चीज के अधिकारी हो आपके पास? अधिकारियों के नंबर नहीं, किस चीज के अधिकारी हो? एक सुनो भाई, सुनो काम करते हो, आप रिश्वत खोरी का काम करते हो, जिसके व्यापारी के 50-50 आरोप लग रहा है आपके ऊपर, रिश्वतखोरी का आरोप लग रहा है आप पे, आप क्या कहना चाहोगे? आप रिश्वतखोर हो, रिश्वतखोरी का आरोप लग रहा है आप क्या कहना चाहोगे? है ना, जवाब दो, जवाब दो,
डेंटल का दे दो। ₹100 क्विंटल का दे दो। आप भागो मत, खड़े हो, जवाब दो। ऐसे नहीं करते, ठीक है? जवाब देते आपके लिए खड़े हैं, ठीक है? आपकी आपके मामला ये है कि पाँच दिन से किसान की हालत बद से बदतर हो गई है। सेक्रेटरी साहब है, ये जवाब आपके सामने ये जवाब दे नहीं रहे, क्योंकि ये एक नंबर के रिश्वतखोर आदमी है। इन्होंने 20-20, 30-30, 50-50 जिनके ट्रैक्टर थे उनकी खरीदारी करवाई है और करारे नोट लिए हैं। शाम को जब कहा तब इन्होंने क्या कहा कि जिसने पैसे दिए हैं उसका काम होगा, तुम्हारा काम नहीं होगा। इन्होंने मेरे सामने 20 लोगों आदमी है, ये भाग रहा है, ये जवाब नहीं दे रहा। आड़ती उसे मिले हुए हैं। क्या क्या नाम, क्या है? शेर सिंह नाम है जी मेरा। कब आए थे मंडी में? 5 दिन हो गए। सरसों बिकी है? नहीं बिकी। क्या जवाब मिला है अभी? जवाब क्या मिला है? कोई जवाब नहीं है जी। सुबह बिक जाएगी, शाम को बिक जाएगी सुबह, और 5-5 बार फोटो कॉपी करवा के दे चुके हम सेक्रेटरी साहब को। तो क्या लगता है कि किस वजह से नहीं बिक रही है? सेक्रेटरी साहब की कमी है। कोई जवाब नहीं है। सेक्रेटरी साहब ने अनिल कुमार नाम है, कहाँ से है? गोमला से, ठीक है। सारी मत कमी सेक्रेटरी की है। उसने रिश्वत ली है, जो उसने रिश्वत ली है उस हिसाब से अपनी सिर सुबह किया है। और हमारा कोई दुआई नहीं है जमींदारों का, जो सही जमींदार है छोटे जमीन उनका माल यही पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या नाम बाबा? धर्मपाल नाम है। कहाँ से है? बड़प से। हाँ बताओ क्या समस्या है? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, इसके पीछे पड़ा हूँ, दो बार कागज ले दिया। कौन 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 ले रहा है दो बार कागज आपसे? अच्छा, मेरी घरवाली खाना लेकर आई थी, वो भी इससे मिली, बोले माता जी कल समाधान हो जाएगा। कोई जवाब नहीं मिल रहा आपको? क्या समस्या आ रही है, कैसे रोड पे खड़े हो आप? समस्या सर ये है कि जमींदार पिछले 5 दिन से अपनी सरसों लेके यहाँ पे मंडी में खड़े हुए हैं। इन लोगों को जो एंट्री पास था वो तो दे दिया, अंदर ट्रैक्टर कर दिए और कह दिया कि आपकी सरसों बिक जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि खरीदारी है वो बंद हो गई है, आपकी सरसों नहीं बिकेगी, जबकि इनको एंट्री पास मिला हुआ है। गेट पास मिला हुआ है, एंट्री पास जो है वो इनको मिला हुआ है। सेक्रेटरी बात करने से मना करता है कि मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा, मेरे पास कोई समाधान नहीं इस चीज़ का। आप ऊपर जो अधिकारी उनसे बात करें, एसडीएम साहब से भी बात की थी, एसडीएम साहब ने कहा था कि कल इस चीज़ का समाधान हो जाएगा सुबह 9 बजे, लेकिन अब तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ है, ना कोई अधिकारी यहाँ पे आया। लगभग कितने ट्रैक्टर जो सिरसों नहीं बिकी वो? लगभग 50 ट्रैक्टर सर। 50 ट्रैक्टर जी। तो कितने दिन से खड़े हुआ ये? सर 5वां दिन है। 5वां दिन जी। और मेन बात ये है कि 5 दिन हो गए हैं और इसमें से लगभग 30-40 किसान ऐसे हैं जो किराए पे ट्रैक्टर लेके आए हैं, जिसका पर डे का 1500 से 2000 रुपए किराया है। इतने रुपए की सरसों नहीं, इतने रुपए किराए में दे देंगे, फिर ये क्या खाएंगे? आपका क्या नाम? विजेंद्र चौहान। कहाँ से? कपूरी। हाँ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम धर्मवीर है जी, गांव से लावास है जी, इसी गांव से संबंधित हूँ जी, गुडागी सिंह में रह रहा हूँ। आपकी भी सरसों? हाँ जी, मेरा भी ट्रैक्टर है, लेकिन पता नहीं क्या धांधली चल रही है। 333 नंबर एंट्री पास दे के ट्रैक्टर अंदर करवा दिया गया था, उसके बाद में 232 नंबर और 35 नंबर ट्रैक्टर का टोकन निकल गया, हमारा नहीं निकला है जी। और शाम को दोबारा आधार कार्ड जमा करवा लिए कि भई ये गुम हो गए, पता नहीं कहाँ गिर गए, आप फिर दे दो, हम आपका गेट बनवा देंगे या गेट पास। फिर भी कोई गेट पास नहीं बनाया है, और न ही कोई महकमा का आदमी है, और न ही कोई सुनवाई हो रही है, ये सिर्फ भाषण ही लुहावने भाषण दे के और हमें गुमराह किया जा रहा है। और बाद में ये सूत्रों से पता लग रहा है कि वो हमें यहाँ से भगाएंगे लाठी के बल पर या किसी तरह प्रकार से भी, वो फोर्स को बुला लेंगे कि हमें परेशान कर रहे हैं, लोडिंग नहीं करने दे रहे, ऐसा कुछ कह के, और हमको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। आश्वासन दिया गया? आश्वासन ये दिया गया था कि हम शाम को रिक्वेस्ट भेजेंगे, आप अपने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, दोबारा रिक्वेस्ट भेजेंगे और ऑफिस में हेड ऑफिस में रिक्वेस्ट भेज के उसमें तुम्हारा समाधान कर देंगे। और जो भी अंदर ट्रैक्टर हो चुका है जिसका गेट पास मिल के ट्रैक्टर की एंट्री करवाई गई लीगल तरीके से, उनका एक एक दाना तुलेगा, जबकि कोई दाना तुलने की कोई संभावना नहीं है। आपका टोकन नंबर क्या है? मेरा टोकन नंबर 333 है जी।
तो और 600 नंबर जो टोकन था, 700 नंबर था और इससे ऊपर था लास्ट का जो टोकन था, वो कल पहले सुबह सबसे पहले उसका गेट पास निकला था जी। पोटिया जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या है जी, 5 दिन से भूखा पिसाया पड़ा है जी, सिर झुबिक नहीं रही। ये सेक्रेटरी साहब के नाम पास वासन उठा देते हैं, अभी आप भी आज बिक जाएगी, कल बिक जाएगी, हम तो 5 दिन हो गए। हमारे जो पहले के नंबर थे वो तो चले गए यहाँ से, और हम जी यहाँ पड़े 5 दिन हो गए। तो आपको गेट की एंट्री दी हुई है, ये पर्ची रही हमारे पर्ची रही, ये दिया था के नाम से 550 नंबर था हमारा माल गिरवा लिया, हल्ली का टोकन होगा ये माल मिले। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई पत्रकार ना मिले, यही था हल्ली की भी भरी की भी, और माल को हाँ, नहीं कर रहा अब ये माल गिरवा लिया, अब चढ़ा नहीं रहे, चढ़ा नहीं रहे। क्या कह रहे हैं, क्या जवाब मिला? कह रहे हैं हमें नहीं पता कहाँ गिर रहा है, ये बोल रहे हैं पोर्टल खुलेगा तो काम होगा, नहीं नहीं होगा। जी बताओ, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं 650 ट्रैक्टर हमने खरीद लिए, और मेरा 602 नंबर है, और तीन दफा मैं अपने कागज डॉक्यूमेंट यहाँ अंदर कोर्टी में डाल दिया, और मेरा अब तक कोई सुनाई नहीं हो रही, और 4 दिन से आ रहा हूँ मैं। तीन बार कागज क्यों देने पड़े आपको? ये बोल रहे हैं कि भाई आए नहीं कागज, आए नहीं, फिर लो जी फिर लो, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। कौन कर्मचारी अधिकारी ऐसा अंदर बैठते हैं, वो ही है सेक्रेटरी साहब। जी आज मेरे को 5वां दिन हो गया, और यहाँ आया था मैंने, कागज फोटोकॉपी करवा के सेक्रेटरी साहब को दे दिए थे, 3 घंटा वेट करा, लाइन में लगा रहा, रोटी तक नहीं खाई, पानी तक नहीं पिया, सिर दर्द हो गया, फिर भी बैठा रहा, फिर सेक्रेटरी साहब के पास फिर गए, मखो साहब वो कागज, बोले वो कागज तो गायब हो गए, दोबारा कॉपी करवा कर लाओ। यहाँ से फाटक के ऊपर पैदल गया, वहां से फिर कॉपी करवा के लाया, फिर दे दिया। उसके बीच में एक बंदा आ गया और सेक्रेटरी साहब को कागज दे के चला गया, मेरे वाले कागज फिर दबा दिए उसने, ठीक है। सेक्रेटरी साहब की सरासर गलती है, कमीशन इन्होंने लिया है, जिसने कमीशन नहीं दिया उनकी शिक्षा यहाँ किया है, दाना नहीं बिका उनका। फिर दूसरी गलती सेक्रेटरी साहब की ये है, अब भाई थे हम समाधान करने चाहते थे तो हमारे बीच में बात भी नहीं करता, वहां से भाग जाता है, लेकिन प्रशासन का ये होता है भाई जनता को संतुष्ट करो, बैठाओ इनको, समझाओ कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या नहीं हुआ है, बात तो करने का फर्ज बनता है। बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, हम कुछ भी नहीं करते, हमने आराम से बात की, साहब ये बता दो हमारी सरसों बिकेगी या नहीं बिकेगी, ठीक भाई नहीं बिके तो हमको 5 दिन हो गए, क्या हमारी हालत हो गई, हम अपने घर जाए, लेकिन वो नहीं, वो तो ये से करते हैं कि ये तुम्हारी कोई वो है, चल जाएगी चलेगी तो मेरी चलेगी, अगर जनता इकट्ठी हो जाएगी तो सेक्रेटरी की इतनी ताकत है, सेक्रेटरी आपकी चला लेगा, जनता से बात नहीं कर सकता वो। मंडी के अंदर कुछ किसान है जिनका कहना है कि उन्हें गेट पास देकर के अंदर एंट्री तो करा दी गई लेकिन टोकन नहीं दिए गए, समस्या कहाँ है? बात ये है जी, किसी की एंट्री हुई या ना हुई, ठीक नहीं जी, वो तो देखो इनको सेक्रेटरी को पता है, पर मारा ये है जो सरकार की तहत पोर्टल खुलने पर ही जिम्मेदार की खरीदी जाती है जी। लगभग यहाँ से यानी कि जिस दिन लास्ट दिन था 670 ट्रैक्टर थे, और 670 के बीच में थे, अब ये कह सकते हैं भी 15-20 ट्रैक्टर किसी के रह गए होंगे, यानी कि 650 ट्रैक्टर की खरीदी गई है जी, और उनकी खरीदी गई है भाई जिनने ऑनलाइन करवा रखी है, ये तीन भाइयों की भी पोर्टल खुलता, फिर यदि किसी की रह भी गई थी 2-3 घंटे के लिए सरकार से इनका पोर्टल खुला है, और पोर्टल पे सभी की रजिस्टर्ड हुई है, यदि अब दोबारा खुलती है रिक्वेस्ट भेजेंगे, हम जाके भी मिलेंगे डीसी साहब से, और इनका समस्या का इनका हल हो जाएगा। मंडी सेक्रेटरी है, उन पर सीधा सीधा किसानों को आरोप है कि उन्होंने रिश्वत लेकर के जो यहाँ आढ़तियों का या दूसरे जो बड़े व्यापारी है उनका काम किया, और आम जो किसान है उसकी फसल नहीं खरीदी गई, क्या कहें? सुनो जनाब, 650 ट्राली थी और 602 एक मिनट बोल जो मान लो कहना, तो मतलब ये है जी, देखो मेरी तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, ठीक नहीं जी, प्रशासन को कंट्रोल करना, तो जो मेरी ड्यूटी है मैं उसको निभा रहा हूँ, मैं किसी के बारे ये नहीं कह सकता कोई गलत कहो या सच कहो, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ठीक।